उन्हां सज्जनां दे वास्ते जिन्हां दे कर्मां च अजे तक डेरा बाबा तेजा सिंह जी राधा स्वामी सतसंग ट्रस्ट दा दर्शन करन दा अजे मौका नहीं मिलिया, एक कैसेट असी उन्हां वास्ते तैयार कर रहे हाँ। तो इस कैसेट विच असी कोशिश कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं कि उन्हां नूं दस्या जाए कि मौजूदा सरकार संत रसीला राम जी महाराज संगतां दे रहन सहन वास्ते की चंगियाई दे काम कर रहे हैं। पंज मंजिली मुख द्वार तो लंघ के असी बाबा जी की कोठी ते पहुँच चुके हाँ। ये सामने बाबा जी की कोठी है, ये अंदर बाबा जी की रिहायशगाह है, तो नाल ही अंडरग्राउंड थले जमीन दोज गुफा है जिथे बाबा जी भजन सिमरन करते हैं। तो नाल ही उदे नाल एक छोटा हाल है जिदे विच खास आए गए मेहमानां नाल बाबा जी गलबात करते ने, विचार वटांदरा करते ने। कोठी दे मूहरे बाबा जी दे बड़े बाबा जी दी बनाई हुई एक खूही है जिदी हटली भी सामने नज़र आ रही है। ये बाबा जी दे बचन हन, चार युग तक इसका अमृत चलेगा। ये आ गई वो बिल्डिंग जिहड़ी सब तो पहला डेरे विच बनाई गई सी। इहदे वख वख कमरे साधुआं दे, संगत दे ते दूजे परौणियां दे रहने वास्ते बनाए गए हैं। ये है अहाता जिहदे विच सेंटर दे विच बड़ा एक सोहना बूटा लगाया गया है। हुण असीं बिल्कुल सामने हाँ VIP गैसट रूम दे जिथे बड़े चंगे परौने जिहड़े विशेष करके बाबा जी दे दर्शन वास्ते आउंदे ने उन्हां नूं रख्या जांदा है। ते खास करके ये भी गल याद करन वाली है कि ये गेट सब तो पहला गेट है। हुण असी आप जी नूं लंगर दे दर्शन करवाइए जिथे लखां संगतां दा लंगर तैयार होंदा है। ये सामने बिल्डिंग जिहड़ी दिखाई दे रही है बहुत वड्डा हाल है। इत्थे एक वक्खरा भाग है जिथे सिर्फ प्रशादियां दी तैयारी कीती जांदी है, जिथे बीबियां लोहां ते बह के प्रशादे तैयार करदियां हन। ते उते एक होर एक चीज़ बाबा जी ने ऐड की है, मलाई है कि उदे उते चिमनिया दे नाल बॉयलर लाए हुए ने जिदा उबलिया होया पानी असी लंगर दे दूजे भाग दे विच देगां दे विच इस्तेमाल करते हाँ। असी हुण जा रहे हाँ डेरे दे दूसरे गेट वल जिस तों संगतां निकल के सतसंग घर वल जांदियां हन। सचखंड उस हिस्से विच आंदा है ते सतसंग दी शैड भी उस हिस्से विच आउंदी है। ते नाल ही उस हिस्से विच असी आप जी नूं दसांगे
पवित्र सरोवर भी है जिहड़ा सतगुरां ने संगतां दी भलाई वास्ते रोग नष्ट करन वास्ते बनाया है। यह है पवित्र सरोवर, सतगुरां ने संगतां दे इशनान करन वास्ते बनाया है। इहदे दो हिस्से हन, एक पासे बीबियां इशनान करदियां हन, दूजे पासे भाई इशनान करदे हन। इहदे विच इशनान करन नाल कईआं रोगां दा नाश हुंदा है, कई रोग जिहड़े ने उह दूर हो जांदे ने, ते संगतां जिहड़ियां ने उह सतगुरां दीआं खुशियां लै के इत्थों जांदे हन। सरोवर दा अंदरला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिथे अंदर बकायदा बैन नूं खलोण नूं जगह बनिया हन। इशनान करन वाले अंदर जा के कपड़े ला के ते बड़े प्यार नाल सरोवर दे अंदर डुबकी ला के बाहर आ जांदे ने। ते हुण असी पहुंच चुके हाँ उस पवित्र शेड दे विच जिथे सतगुरु महाराज जी संगतां वास्ते वड्डे भंडारे ते संगरांद नूं सत्संग फरमाउंदे ने। ये बहुत वड्डी शेड है जिहड़ी कईआं एकड़ां दे विच कईआं किलेआं दे विच फैली हुई है, ते संगत बड़े प्यार नाल बह के इहदे विच बह के ते सतगुरां दे दर्शन करदी है ते बचन सुनदी है। कई हजारां दी तादाद विच संगत जिहड़ी है उह इस शैड दे विच समा जांदी है, आ जांदी है, ते बड़े प्यार नाल खुले डुले हो के अपने सतगुरां दे वचन सुनदे हन। ये छोटा सत्संग हाल है जिथे 9 to 10 बजे तक हजूर महाराज जी सत्संग फरमाते हैं, ते इहदे उत्ते ही बहुत सारे रिहायशी कमरे ने जिथे संगत आके रहिंदी है ते सेवा करदी है। इन्हां कमरियां दे नाल ही अटैच बाथरूम ते संगत दीआं होर दूजीआं सहूलतां अटैच हन ताकि संगत नूं दूर ना जाना पवे। ये है एरियल व्यू सारे डेरे दा, जिहदे विच बहुत सारे दरख्त दिखाई दे रहे ने, बिल्डिंगां हन, कमरे हन, ग्राउंड हन, बड़ा लंबा चौड़ा जिहा डेरा उत्तों दिखाई देंदा है। ये कंटीन पहुँच चुके हाँ असी जिथे लंगर दा खाण पीण दा प्रबंध है। उस तों इलावा भी अगर संगत चाहे ते अपने खाण पीण दा प्रबंध कंटीन च आ के कर सकदे हन। ये कंटीन दा दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, जिहदे अंदर सारा खाण पीण दा समान दिता जांदा है बड़े सस्ते दरां ते, ताकि संगत नूं किसे किस्म दी लोड वास्ते कंटीन डेरियों बाहर ना जाना पवे, उन्हां नूं कंटीन दे अंदर ही जरूरतां पूरियां हो जांदियां हन। इहो जगह हन जिथे संगत बह के चाह पानी लै सकदे हन, कुर्सियां भी लगियां हन, लान भी बने हन, किते भी अपनी मर्जी अनुसार संगत बह के अपने खाण पीण दा मजा लै सकदी है। भोजन भंडार दा हिस्सा जिथे रोटी भी लंगर तो इलावा खिलाई जांदी है, संगत इहदा भी फायदा लै सकदी है। ये कंटीन दे अंदर दा हिस्सा है जिथे वख-वख किस्मां दीआं मठिआइयां
ते खान पीन दियां दूसरियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो तैयार कीतियां जांदियां ने। सेवादार बड़ी सफाई दे नाल इन्हां चीज़ां दी तैयारी करदे हन ते बड़ी सफाई दे नाल ही संगत नूं पेश भी करदे हन। चाहे किसी का मन ठंडा पीन नूं दिल करे जां लस्सी पीन नूं दिल करे, कंटीन उन्हां वास्ते है। यह है बाहर का फ्लाईओवर। तो हूँ असी पहुँच गए हाँ अगे सचखंड की बिल्डिंग वास्ते। सचखंड की बिल्डिंग वो है जिथे हजूर महाराज जी संगरान के दूसरे दिन नामदान की बख्शिश करते हैं। तो इतवार को सत्संग भी इस बिल्डिंग च कीता जाता है। बड़ी ही सुंदर ते बड़े ढंग नाल बनाई हुई सतगुरां ने ये बिल्डिंग तैयार करवाई है। सामने सतगुरां दी स्टेज नज़र आउंदी है जिथे विराजमान हो के सतगुरु जी संगतां नूं नामदान बख्शदे हन। ये वो स्टेज है। बड़े भागां वाले जीव इत्थे पहुँचदे हन सतगुरां तों वो नामदान की बख्शिश हाजिर हासिल करते हैं। बिल्डिंग के अंदर तरह तरह के झुमके ते होर कई सजावटी चीज़ां हैं जिहड़ियां बड़ियां देखण योग हैं। वाकया ही असी इनू सचखंड इसे वास्ते कहने हाँ कि इस सचखंड ही दिखाई देता है। जिन्हां उपर जाके सचखंड देखा होएगा वो जरूर ये समझणगे कि असी सचखंड पहुँच गए। ये है गुरु तेज रसीला चैरिटेबल हॉस्पिटल जिहड़ा मौजूदा सरकार संत रसीला राम जी महाराज जी ने बाबा जी दे नां ते बनवाया है। और बड़ा ही सुंदर बड़े तरीके नाल बड़े सजीले तरीके नाल बनाया है। संगतां इहदा दूरों दूरों आके फायदा लै रही हैं। इस हस्पताल दे विच बहुत सारे माहिर डॉक्टर हैं। हर संगरांद नूं अखां दे ऑपरेशन होंदे हैं। हर रोज़ 250-300 दे करीब मरीज जिहड़े ने वो डॉक्टरां कोलों दस के ते अपना फायदा दसदे लैंदे हैं। यह है हस्पताल दे सेंटर दे विच बनाया होया बड़ा ही सुंदर फुहारा जिथे शाम नूं मरीज बाहर बैठ के ते नज़ारा लैंदे ने ते देखदे ने और सतगुरां दे गुण गांदे ने। ये हैं मरीजों वास्ते वख वख कमरे जिन्हां विच मरीजों नूं रख्या जांदा है। ये है जनरल वार्ड जिन्हां विच बच्चे ते बच्चियां दियां मावां उन्हां नूं भी रख्या जांदा है। सारे बड़े प्यार नाल इस सतगुरां दी मेहर दा फायदा लैंदे हन। ते ठीक हो के सेहतयाब हो के खुशियां नाल घरां नूं जांदे हन। अल्ट्रासाउंड करवाण वास्ते हिदायतां लिखियां हन।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਰਵੀਕਾਂਤ ਪਾਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬਣੀ ਆ।
ਦੀ ਢਾਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ठीक है ठीक है।